नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत। सूडान में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देश गृहयुद्ध की चपेट में है। सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच हो रही हिंसक झड़पों का शिकार यहां की आम जनता हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बताया कि हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। WHO ने कहा कि इसकी कीमत बच्चों को भी चुकानी पड़ रही है। हिंसा में 9 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। WHO की प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने UN की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सूडान में सरकार के आंकड़ों के मुताबिक संघर्ष में 413 लोगों की मौत हो गई है और 3551 लोग घायल हो गए हैं। यहां तक कि 15 अप्रैल के बाद से अब तक कई हेल्थ प्लेसेस पर भी अटैक हुए हैं। हैरिस ने कहा कि सूडान में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 20 से ज्यादा हॉस्पिटल्स बंद हो गए हैं, जबकि 12 बड़े हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि हिंसा के चलते बंद होने की कगार पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही हालत रही तो लोग इलाज के लिए कहां जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंसा में घायल हो रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को तो पहले से ही नियमित रूप से अस्पतालों में इलाज कराने की जरूरत है। वहीं अगर बात करें सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, केंद्र सरकार भी लगातार काम कर रही है। लगातार एक्शन प्लान तैयार किए जा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के 2 C-130J विमान इस समय जेद्दा में स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। इसके अलावा INS सुमेधा भी सूडान के बंदरगाह पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुआ है और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए वो लगातार और भी देशों से कोऑर्डिनेशन कर रहा है। सरकार ने कहा कि भारत कई विकल्पों को फॉलो कर रहा है। आधुनिक आंकड़ों के मुताबिक सूडान में इंडियंस की संख्या करीब 4,000 है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नागरिकों को निकालने का प्लान तैयार है, लेकिन ग्राउंड पर कोई भी गतिविधि सुरक्षा स्थिति पर निर्भर करेगी। चूंकि खार्तूम में विभिन्न जगहों पर भयंकर लड़ाई की खबरों से हालात बिगड़े हुए हैं, सूडानी हवाई क्षेत्र वर्तमान में सभी विदेशी विमानों के लिए बंद है। वहीं सूडानी अधिकारियों के अलावा सूडान में भारतीय दूतावास भी संयुक्त राष्ट्र सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में है। वहीं सेना और RSF के बीच जंग के हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पड़ोसी मुल्कों ने भी अपनी सीमाओं को बंद कर लिया है। अफ्रीकी देश सूडान में संघर्ष तेज हो गया है। वहां सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच देश भर में जंग छिड़ गई है। दोनों ही देश सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। इस संघर्ष में अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। आंकड़े और बढ़ भी सकते हैं। हालांकि भारत सरकार के नजरिए से अभी जरूरी यह है कि वहां से भारतीय नागरिकों को निकाला जाए। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत।